हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। आशिक ने प्रेमिका के छोड़ देने के गम में बदला लेने के लिए प्लेन को अपहरण व बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। इस आशिक का नाम बिरजू किशोर सला है। धमकी के बाद 7.5 घंटे तक हड़कंप मचा रहा। विमान को अहमदाबाद में आपात स्थिति में उतारना पड़ा। इन्हें फौरन सुरक्षा एजेंसियों ने हिरासत में ले लिया। बिरजू गुजरात के अमरेली जिले का रहने वाला है। उर्दू में लिखा धमकी का खत। बिरजू पेशे से ज्वेलर है और गुजरात के निवासी है। इससे पहले भी वो फ्लाइट में कॉकरोच ले जा चुके हैं। रविवार रात मुंबई से उड़ान भरते ही फ्लाइट के टॉयलेट में एक एयर होस्टेस को उर्दू व अंग्रेजी में लिखा धमकी भरा पत्र मिला। पत्र के ऊपरी हिस्से में उर्दू में लिखा गया था, विमान में 12 पहरेदार सवार हैं। यदि इसे सीधे पीओके नहीं ले जाया गया तो यात्रियों की मौत की आवाजें गूंजेंगी। इसे मजाक मत समझना। लगेज एरिया में बम लगा है। विमान दिल्ली में उतारा तो हम इसे उड़ा देंगे। अंत में अंग्रेजी में लिखा अल्लाह इज ग्रेट। गर्ल फ्रेंड से बदला लेने के लिए फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी। पायलट को जैसे ही इसकी सूचना दी गई उसने विमान अपहरण का अलर्ट बटन दबा दिया। इसमें सवार 115 यात्रियों और चालक दल के 7 सदस्यों की सांसें फूल गईं और विमानन प्रशासन व सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। नागरिक विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने एयरलाइनों से इस शरारती यात्री को ताउम्र हवाई यात्रा से प्रतिबंधित करने की सिफारिश की है। बिरजू ने अपनी पूर्व गर्ल फ्रेंड से बदला लेने के लिए इस तरह का काम किया। वह जेट एयरवेज में काम करती है जिसने उसे अब छोड़ दिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बीवी को दी थी फ्लाइट क्रैश करने की धमकी। एक इटालियन पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पत्नी ने अपने पति से कहा कि वो उसे छोड़कर जा रही है। पहले तो पायलट पति ने फोन पर उसे संदेश भेजा कि अगर वो उसे छोड़कर गई तो आत्महत्या कर लेगा। जब बीवी ने अपना इरादा नहीं बदला तो उसने दूसरा संदेश भेजा कि यदि उसने ऐसा किया तो वो जिस फ्लाइट को लेकर रवाना होने वाला है उसे क्रैश कर देगा। ये संदेश पढ़कर बीवी के होश उड़ गए। घबराई पत्नी ने फौरन पुलिस को सूचना दी। ये शख्स इटली के फ्यूमेसिनो हवाई अड्डे से करीब 200 यात्रियों से भरा यात्री विमान लेकर रोम से जापान के लिए उड़ान भरने जा रहा था। पुलिस इसे उड़ान से कुछ मिनट पहले पकड़ लिया और विमान से उतार लिया। फिलहाल इस व्यक्ति को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। पायलट को मानसिक रोगी मानते हुए उसे इलाज के लिए मानसिक रोग अस्पताल भी भेजे जाने की बात की जा रही है। पहले भी हो चुकी है घटना। पिछले साल 24 मार्च को एक 27 साल के पायलट अल्यूबेड ने बार्सिलोना से डसेलडोर्फ के बीच उड़ान भर रहे जर्मन विंग्स के विमान को दिमागी अस्थिरता के चलते जानबूझकर क्रैश कर दिया था, जिसके चलते उसमें सवार करीब 150 यात्रियों की मौत हो गई थी। इसी तरह इटालियन पायलट यूनियन एनपैक ने भी जानकारी दी है कि 3 साल पहले भी पत्नी के सूचना देने पर एक और पायलट को पकड़ा गया था।